तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है हमारे पास हीरो का मैवरिक 440 2024 E20 लेटेस्ट एडिशन है भाई। ये न्यूली लॉन्च बाइक है और इसमें अभी हम आपको राइड रिव्यू भी निकालेंगे, डिटेल रिव्यू भी निकालेंगे और सारी डिटेल्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ब्लैक एंड सर्वे मैट कलर में है, मैट ब्लैक में है। तो सबसे पहले बात की जाए भाई इसके इंजन की, तो अप्रॉक्स 27.36 PS पावर है, जो कि आई थिंक तो 36 NM टॉर्क पे 6000 RPM पे जनरेट करता है। तो ये तो कुछ इस इंजन की स्पेसिफिकेशन है। ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, ऑयल कूल्ड इंजन है ये, तो ये ऑयल कूल्ड इंजन है। बाकी ड्यूल चैनल ABS है। फीचर्स की बात करूँ तो भाई पीछे बाइबर के ब्रेक दे रखे हैं, आगे भी बाइबर के ब्रेक दे रखे हैं, ड्यूल चैनल ABS है। लुक्स में भाई एक नंबर। पिकअप की बात करूँ इतना हैवी जनरेट करता है, पूछो मत। और बाकी भाई रियल लाइफ में अगर आप चला के देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। सीट हाइट की बात करूँ तो आई थिंक तो 805 की सीट हाइट है एंड कंफर्टेबल इतनी है कि भाई पूछो ही मत। और अगर टेस्ट राइड चाहिए तो आपको जाना है लक्ष्मी ऑटो, नंबर डिटेल्स सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लोकेशन तक भी। सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या रहता है कि प्रीमियम गाड़ियों की सबसे बेस्ट पार्ट ये रहती है कि ये कोई कोटिंग वाला नहीं है, बिल्कुल टाइटेनियम वाला जो रहता है ना वो फिनिशिंग में दिया है। बाकी अलॉयस की बात की जाए तो डायमंड कट फिनिश अलॉयस है भाई। ओवरऑल लुक देख रहे हो भाई, कलर कॉम्बिनेशन एकदम तगड़ा है। पीछे LED इंडिकेटर है, LED टेल लाइट है। एक बार मैं आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का लुक है भाई। एंड एक बार मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ, तो जब ब्रेक्स लगाएंगे तो देखना। तो आई थिंक सो ठीक से दिख गया होगा। तो ये ब्रेक्स का कुछ इफेक्ट है। एंड एक बार आपको मैं सस्पेंशन के बारे में बता दूं तो पीछे मोनोशॉक नहीं है, सिंगल साइड सस्पेंशन जो हो रहे थे ना, पीछे ड्यूल टोन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एंड फ्रंट तो आपको मालूम है फ्रंट फोक्स हैं, तो वो एक अच्छी बात है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसमें हेडलैम्प पे आपको तीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, DRL मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, LED मिलेगा। ओके, तो एक बार हम इसे चालू करके दिखा देते हैं। रोहित भाई जरा चालू करके दिखा दो, इसका थ्रो भी देख ही लेते हैं इसी सारे। ये सा DRL है, DRL जल गया इसका। अब इसका लो बीम हो तो ओके, ये लो बीम है वो हाई बीम है, ठीक है। हाई बीम करना एक बार, अभी नहीं हुआ। अच्छा नाइट है, मतलब ऑटो सेंसिबल है। ओके, तो भाई ये एक और अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है कि आपको बैटरी बचेगी, बट सामने से लुक बड़ा प्यारा आ रहा है देखने में। शायद रियल लाइफ में आप आओगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत ब्रॉड है, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी एक बार हम आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं इसका। बहुत बेसी साउंड है, एंड एक सबसे बेस्ट पार्ट बताते हैं। अब इसके टायर सेक्शन की बात करें जाए तो MRF के टायर मिलते हैं, रेडियल टायर मिलते हैं। टायर साइज आपको मिलता है इसमें अप्रॉक्स, आई थिंक सो इधर से दिख नहीं रहा है, टायर सेक्शन का मिलता है। अब आपको 150 सेक्शन का टायर मिल रहा है रियर में, तो भाई गजब। एंड पीछे मिल जाता है, फ्रंट में मिल जाता है आपको 110 का सेक्शन का टायर मिल जाता है। डिस्प्ले की साइज़ की बात कर लूँ तो मैं आपको आई थिंक सो इसमें डायमंड कट अलॉय का इस्तेमाल किया है। फ्रंट डिस्प्ले कितना है इसका, फ्रंट डिस्प्ले प्लेट का साइज़ क्या है? 300 mm का फ्रंट पे, 300 mm का है और पीछे 280 का है। ये तो मुझे भी पीछे वाला तो मुझे पता था 280 का है। एंड ओवरऑल लुक की बात करूँ तो भाई गाड़ी टॉप नॉच है। और बाकी इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में क्या क्या मिल जाता है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो कनेक्टिविटी मिलेगी, नेविगेशन मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टर, अच्छा बैटरी रिमाइंडर, ओके। और स्विच क्वालिटी की भी बात कर लें तो भाई स्विच क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम। और कुछ इस तरह की आपको की मिलती है, तो हीरो ने कीस में भी काफ़ी अच्छी बैचिंग कर रखी है। तो एक बार मीटर स्टार्ट करके देख लेते हैं, तो इसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल ही जाती है और RPM मिल जाता है, गियर इंडिकेशन मिल जाती है, ट्रिप्स मिल जाती हैं, टॉप स्पीड मिल जाती है, एंड साइड स्टैंड है। और क्या क्या मिल जाता है रोहित भाई हमें इसमें?
एबीएस की लाइट मिल जाती है इसमें, एबीएस इंडिकेटर मिल जाएगा, इंजन लाइट चेक मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा लो बीम, हाई बीम, पेट्रोल फ्यूल ये मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ा बेस्ट फीचर भाई हीरो की गाड़ियों में जो मिलता है एसओएस फीचर्स, इसके बारे में थोड़ा रोहित भाई डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ करके बताओ कि होता क्या है एसओएस। इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है। हीरो की वेबसाइट पे, हीरो कनेक्ट के नाम से वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये कस्टमर के काम आएगा, जैसे उसका रजिस्टर्ड नंबर होगा, उसका लाइव लोकेशन के साथ में ट्रैक करेगा उसमें। उसमें जैसे मान के आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, अगर इसे 3 सेकंड के लिए करेंगे बीप की आवाज़ आएगी, आपकी लाइव लोकेशन के साथ आपकी जो फैमिली मेंबर है उसके पास जो डिटेल पहुँच जाएगी। कितने लोगों के पास जाती है? 2-3 तीन लोगों के पास जाता है। मतलब ये अच्छा फीचर है, मतलब जब जब आप गाड़ी लेते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लगा दो, और आप जब भी लगाए कभी तो ये बाई चांस मिसहैपनिंग में किसी बच्चे ने दबा दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा दबाएगा एक दो बार पिक करेगा, लेकिन इसमें कुछ सेकंड पर्टिकुलर टाइम है कि 3-4 सेकंड के लिए दबाना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि मतलब गलती से अगर आप ऐसे दबा दो तो कुछ नहीं होगा, पर हाँ लॉन्ग टर्म पे दबाते हो रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपकी प्रोसेस होगी। बाकी स्विच क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनबिल्ट हैजार्ड फ्लैशर मिल रहा है गाड़ी में, जिससे लुक भी इतना अच्छा इंक्रीज हो रहा है। इंडिकेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है इस बार हीरो ने, कि मैचिंग के साथ एक देख रहे हो आप डे लाइट में कितना अच्छा विजिबल हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, मैं इस गाड़ी को क्यों मान रहा हूँ कि भाई ये लेनी चाहिए, भाई इसमें देखो साड़ी गार्ड, ये इंडियन थिंकिंग के साथ पावर प्लस लुक्स प्लस इंडियन मेंटेलिटी को लेके चले हैं, तो भाई हर चीज़ है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, कहीं ना कहीं लोग यूएसडी को प्रीफर करते हैं, पर हीरो ने कभी नहीं किया, क्योंकि मालूम है हीरो को कि ये इंडियन रोड्स पे ज़्यादा कैपेबल है और कम सर्विस मांगते हैं। आई थिंक सो मेरी बाइक ने 10 साल होने पर आ गए, उसने अभी तक दिक्कत नहीं दी है। तो यूएसडी पे जा सकते हो आप अच्छी स्पीड के लिए, पर अच्छे कम्फर्ट के लिए भाई आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन पे ही जाना पड़ेगा। बाकी सामने से भी एक बार इंडिकेटर का लुक देख लेते हैं। तो थोड़ी गाड़ी भी कॉस्टली भी हो जाएगी, कॉस्ट को बचाते हैं। इसमें 37mm का फ्रंट फोक का इस्तेमाल किया गया है, इसमें तो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी शॉक झटको एब्जॉर्ब करता है। पर कोई ना कोई बात तो कुछ भी कह लो, पर हीरो ने इस बार प्रोडक्ट जो बनाया है ना, इस बार विवेक भाई एक बार चीज आपने देखी कुछ एक नया फ्रंट फेंडर देखो, एक नया लुक निकाला। हाँ। किसी भी गाड़ी भी आपने नोटिस नहीं, ये मैं भी नोटिस नहीं कर पाया। हाँ। कि फ्रंट फेंडर बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है, मेटल में है, मेटल में भी है। और एक चीज और बात है कि भाई जो अगर रिप्लेस करना पड़ा कभी, खुदा ना करे, तो रिप्लेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उन्होंने ऐसा किया कि कोई एक पार्ट टूटता है तो आप उसको पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीन पार्ट में, हाँ तीन पार्ट में है, और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। और वैसे ये एल्युमिनियम का है तो इतना दिक्कत आने वाली तो है नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली। मतलब हीरो ने, मतलब आप पैसा डाल रहे हो तो अच्छा लोहा उठा रहे हो, ना कि किसी कंपनी की, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो फाइबर देती है, यहाँ आपको प्योर एल्युमिनियम मिला है भाई। तो टैंक भी आप तो लोहे का है भाई, और क्या चाहिए। तो गाड़ी मतलब बहुत सुपीरियर बनाई है, आप लोग बताना कैसी लगी। डिटेल्स में मैंने बता दिया, मिरर क्वालिटी के बारे में बता दिया। राइड बाय वायर है शायद ये, क्योंकि इसमें 2 प्लग्स हैं तो शायद ये राइड बाय वायर ही होते हैं। तो ये मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डालूंगा। PCI के इसमें दे रखी है, थ्रॉटल कंट्रोल पोजीशन का इसमें इस्तेमाल कर रखा है इसमें। तो उसके सेंसर बेस से, हाँ तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी आपको मैं बता ही चुका हूँ भाई गाड़ी के डिटेल्स पूरी। बाकी सीट कंफर्ट के बारे में इतना बता रहा हूँ कि भाई सीट कंफर्ट इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। और हमने धूप में खड़ी रखी है, फिर भी गाड़ी इतनी चमक रही है, मैट ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा गजब निकल के आ रही है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डिटेल में भाई लोकेशन लक्ष्मी ऑटो की डली हुई है, और आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट लीजिएगा, हमारे रोहित भाई आपको पिक कर लेंगे, और जो भी डिटेल्स है अच्छा डिस्काउंट रोहित भाई देख ही लेंगे आपको, उसकी कोई उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भाई। बट गाड़ी एक नंबर है, मेरी तरफ से 100 out of 100 रिकमेंडेड है। बाकी आइए और एक बार ट्राई करके देखिए, टेस्ट राइड भी अवेलेबल है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा रोहित भाई, ये ऑन रोड कितना पड़ रहा है हमें? ये ऑन रोड 270 की है ऑन रोड। लगभग अगर बंदे का सिविल अच्छा होता है तो हम इसको जो है उसको फाइनेंस की बात करते हैं, तो 40,000 तक की डिग्री में हम ये गाड़ी उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई आपको फाइनेंस में भी कोई इशू आने वाला नहीं है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। गाड़ी कैसी लगी बताइएगा जरूर, बाकी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। गाड़ी कैसी लगी बताना जरूर।